गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पर देख सकते हैं। आज का दिन है 26 अगस्त 2019 और इस समय पे 9:55 हो रहा है सुबह का। यहाँ से भी देख सकते हैं मंडे का दिन 26 अगस्त 2019 और इस समय पे 9:55 हो रहा है सुबह का। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो खास तौर से रिकॉर्ड किया जा रहा है जिन्होंने फ्री ट्रेनिंग कैंप को नागपुर में अटेंड किया था ऑन सैटरडे 24 अगस्त। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोगों ने मुझे कहा था कि बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल लीजिए और उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कुछ इस तरीके से कि जब हमने फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखा तो इसने एक एक्यूमुलेशन जोन को डिवेलप किया यहाँ पे, और ऊपर के भाग में जो उससे पहले दिन का जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई थी, मतलब जहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, उस सपोर्ट को ब्रेक करके उसने एक रेजिस्टेंस को फॉर्म किया था। और जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमें समझ में आया था कि यही वाले जोन पे जा करके फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बजाज फाइनेंस ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था जो कि इंट्राडे फॉर्मेट में था। अब आज जब बजाज फाइनेंस इतना स्ट्रांग ओपन हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी जोन में आकर के, अब थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, एग्जैक्टली इसी वाले जोन में आया और आने के बाद यहाँ पे देखिए इसने हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करने की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ये जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बना था, मतलब जहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे अब एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है। और यही हमने पढ़ाई जब हम कर रहे थे नागपुर में तो हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में दिखा देना चाहता हूँ कि अगर मुझे इसे ट्रेड करना है तो मैं किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो जोन है, ये जोन एक्चुअली ये वाला जो कैंडल है, दिस रेड कैंडल जो कि 9:35 पर बना था, मैं इसका रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। जैसे कि आपको समझाया गया था कि जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको ट्रेन के बाहर देखना पड़ता है कि प्राइस जो है वो किस दिशा में मूव हो रहा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठ करके जब तक आप बाहर नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता लगता कि ट्रेन किस दिशा में मूव कर रही है। तो इस वजह से हमने रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक स्टैटिक आउटसाइड दिस डे लिया है जो कि यहाँ पे है, और इस वाले कैंडल का जो हाई है वो 3200 पे है। तो फ्रेंड्स, हम 3200 पे अपनी पोजीशन को डेवलप करना चाहते हैं, और उसी के साथ जो हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो आज के इंट्राडे का लो करेंगे, क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अनयूजुअल सेलिंग लेवल है और ये आज के ट्रेडिंग सेशन में अटेन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस हमने ढूंढा है वो स्टॉप लॉस है 3183 का। तो 3183 पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल जब पूछे तो सही पूछें, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉप लॉस प्लेस कहाँ होगा। तो स्टॉप लॉस प्लेस होगा 3183 पे। अब अगर हम एंट्री को प्लेस करना चाहते हैं 3200 पे, तो कैलकुलेशंस करते हैं कि 3200 माइनस, अगर 3183 पे हमें स्टॉप लॉस को रखना है तो कुल मिलाकर के 17 पॉइंट का हमको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यदि हम 17 पॉइंट्स का रिस्क लेने वाले हैं इस ट्रेड में, तो इसका मतलब यदि मान लीजिए कि मैं इस ट्रेड को 2000 रुपये से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 2000 डिवाइड बाय 17 करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, 2000 डिवाइड बाय 17, विच मीन्स कि हमारा जो क्वांटिटीज होना चाहिए वो होना चाहिए 118 का। तो 118 विद 17 पॉइंट स्टॉप लॉस हमें करना है, और इसी के साथ जो हमें टारगेट को प्लेस करना है वो करना है कि ये इस जगह से इस डाउन ट्रेंड में आया था तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, तो इस कैंडल का जो लो है वो 3340 पे है, 3340 पे है। तो यहाँ इस एरिया के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस हो सकता, हमारा टारगेट हो सकता है। बट नेवरदलेस हम लेट्स सी, तो हम एक्सपेक्ट तो वहाँ का कर रहे हैं, अब पता नहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में इतना मोमेंटम मिल पाएगा या नहीं, बट नेवरदलेस 3340 को माइनस करते हैं। हमारा अगर एंट्री 3200 पे हो रहा है तो इसका मतलब 140 पॉइंट्स का टारगेट लगना है।
ओके तो आइए एक ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, तो रेडी टू प्लेस द ऑर्डर। तो हमारा जो एंट्री होना चाहिए वो 3200 में होना चाहिए, हमारा जो क्वांटिटीज होना चाहिए वो 118 होना चाहिए, 118। हमारा जो स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर होगा वो 17 पॉइंट्स पे होगा, मतलब स्टॉप लॉस सेल जो होगा वो 17 पॉइंट्स पे होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो 140 पॉइंट्स पे होगा, 140 पॉइंट्स पे। तो लीजिए कवर 82 लीजिए। इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमने अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है, तो 118 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर है, 3200 पे एंट्री है और अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस प्लेस होना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है, हमें हमारी क्वांटिटीज़ मिल भी पाती है या नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ऊपर टॉप पैनल पे 10:03 और हमें हमारी क्वांटिटीज 118 यहाँ पे मिल चुकी है अभी लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा, और इसी के साथ हमारे स्टॉप लॉसेस और एंट्री सॉरी टारगेट्स भी प्लेस हो गए हैं। तो मैं ज़रा इस लाइन को पहले कन्वर्ट कर देता हूँ एंट्री लाइन में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3203, तो यहाँ पे एंट्री हुआ। अब इस पर्पल लाइन को डिलीट करते हैं, डिलीट, और ये हमारा स्टॉप लॉस का लाइन है 3183 का, नंबर टू अप्लाई, एंड हमारा जो टारगेट लाइन है वो बहुत ऊपर है तो वो अभी ड्रॉ नहीं करते क्योंकि काफ़ी ऊपर है, 140 पॉइंट्स पे है, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो ड्रॉ भी करूँगा तो दिखेगा नहीं यहाँ पे। सो लेट्स सी, अभी ऑर्डर बुक से देख लेते हैं। तो हमें हमारा पूरा क्वांटिटीज़ मिल गया है 3200। आज देखिए फिनोमिनल एक ही ऑर्डर बना है ब्रैकेट ऑर्डर में, और जहाँ पे ट्रिगर प्राइस दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 3183 पे, जो कि इस लो के नीचे का है, और साथ में जो हमारा टारगेट आपको दिख रहा है जहाँ पे कि ओपन सेल लगा हुआ है वो 3340 पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स दैट इज़ हाउ वी हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो अभी इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स और उम्मीद करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेकआउट कर जाएगा ऊपर की दिशा में, और हमको हमारा जो टारगेट है एट 3340 वो दे पाएगा, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है इसे ट्रेड होने के लिए। तो आराम से इंतज़ार करते हैं, एंजॉय करते हैं इस ट्रेड को और उम्मीद करते हैं कि हमें 3340 का जो लेवल है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12:27 हो रहा है, और हमारी बजाज फाइनेंस की ट्रेड वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमको करना है, वो ये है कि यदि हम बजाज फाइनेंस का ये डेली फॉर्मेट चार्ट है इसको स्टडी करें, तो यहाँ से एक मूवमेंट हुआ था जो कि यहाँ तक गया था, सो दिस हाई इज़ एक्चुअली एट 3300। तो क्योंकि ये प्राइस आज इस लेवल के नीचे ओपन हुआ है, तो इस वजह से हम 3340 के बजाय अपने टारगेट को मॉडिफाई करके 3300 कर देंगे, क्योंकि ये लेवल इसके लिए एक ब्रेक इनसाइड का लेवल बन सकता है। तो वी डोंट जस्ट वांट टू टेक अ चांस एंड जस्ट मॉडिफाई दिस टारगेट, इंस्टेड ऑफ 3340 हम इसको मॉडिफाई करके 3300 कर देते हैं। तो आइए थोड़ा ऑर्डर बुक में चलते हैं, और यहाँ से ये जो हमारा लिमिट ऑर्डर है, मतलब जो हमारा टारगेट ऑर्डर है, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो लीजिए इसे मॉडिफाई करते हैं, यस, और इंस्टेड ऑफ 3340 लेट्स मेक इट 3300, मॉडिफाई, यस। ऑलराइट, ओके, तो हो गया, मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं यहाँ पे। हमारा पूरा का पूरा क्वांटिटी का जो लिमिट ऑर्डर है वो 3340 के बजाय यहाँ पे 3300 पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आराम से इंतज़ार करते हैं, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। अभी इंतज़ार करते हैं कि हमको 3300 का जो हमने इसको रिवाइज्ड अभी टारगेट दिया है वो हमें मिल जाए। तो
ये लीजिए, यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर देते हैं। सो 3300 की जगह, सॉरी 3340 की जगह 3300 अप्लाई, एंड टारगेट को इसको डिलीट कर देते हैं, लिख देते हैं रिवाइज टारगेट। सो लेट्स डिलीट दिस, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एक्चुअली रिवाइज्ड टारगेट। एक्सेलेंट, लीजिए यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया, तो ये रिवाइज टारगेट हो गया हमारा। तो अभी इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है अब इस ट्रेड में आज। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12:53 हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड से हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इंट्राडे, ये डेस्परेटली अपने इंट्राडे का रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है, ये 3270.80 से लेकर के इसका जो हाई है 3289.30 पे है। और हम देख सकते हैं कि इसी के बाद से ये जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है ये होना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करेंगे, अब हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस कैंडल के क्लोज होने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी कितना 1 मिनट और बाकी है। यदि तो ये कैंडल इस लो के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम इस कैंडल के हाई का टारगेट रिवाइज कर देंगे, जो कि रफली 3289 पे है। और अगर ये कैंडल इस लो को ब्रेक करके नीचे गिर जाती है और वहाँ क्लोज करती है, तो हम इसके लो पे 3270 या 3271 पे हम अपने टारगेट को रिवाइज कर देंगे। तो अभी बस और कुछ सेकंड्स का इंतज़ार है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख करके और हम अपने टारगेट को मॉडिफाई करेंगे। तो तब तक क्या करते हैं कि ऑर्डर बुक से टारगेट मॉडिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला है 3300 वाला है हमारा, तो इसको मॉडिफाई लीजिए। मॉडिफाई विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ से 5 मिनट्स में जाएंगे। ओके, एंड लेट्स सी कि हम 3289 डालें या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। ऑलराइट, लेट्स सी, इस लेवल के अगर ऊपर क्लोज हुआ है तो हमें 3289 का टारगेट डालना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 3289 का रिवाइज टारगेट, मॉडिफाई। यस, ओके, तो ऑर्डर मॉडिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लिमिट 3289 पे हो गया है। और लेट्स लेट्स वेट, अगर हमारे टारगेट मिलने से पहले ये वाले कैंडल का लो टूट जाता है, तो हम फिर ऑर्डर को मॉडिफाई करके इस लो पे, मतलब 3270 पे कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ 3289, उसको दोबारा से मॉडिफाई करके 3270 पे कर देंगे। दिस इज टू मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट्स ओवर ईयर। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 1:19, और यहाँ पे अगर एक जिगजैग पैटर्न को ड्रॉ करें तो हमें समझ में आएगा कि ये कुछ इस तरीके से हमें प्राइस का मूवमेंट शो कर रहा है, कुछ ऐसा, राइट। और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो कैंडल लो है वो 3281 पे है। तो अब हमें अपने अपने टारगेट को फर्दर रिवाइज करना पड़ेगा 3281 पे। सो लेट्स सी अगर हमें 3281 का टारगेट मिल पाता है या नहीं, क्योंकि अब ये डेस्परेटली अपने रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम अ इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ये मॉनिटरिंग का हिस्सा है। सो 3289 के बजाय 3281 मॉडिफाई। यस, ऑलराइट, सो 3281 पे मॉडिफिकेशन हो चुका है। और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये यहाँ से डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से
हमने ये डिसीजन लिया. सो नाउ दिस रिवाइज टारगेट इज एट 3281, नॉट एट 3289. अप्लाई. थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा ऊपर 1:24 और हमें हमारा टारगेट एट 3281 मिल गया. हालांकि अभी काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, बट नेवर्थलेस हम अपनी ट्रेड से बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है. तो आइए एक बार ऑर्डर बुक पे नज़र डालें. सफ़ा चट, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड. हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कैंसिल हो चुका है और हम इस ट्रेड से अब पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं. तो आइए थोड़ा एडमिन पोजीशन से समझ लेते हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ब्रैकेट ऑर्डर में हमने इसे एग्जीक्यूट किया. बजाज फाइनेंस, हमने बाई किया था 118 क्वांटिटीज़ को, उतनी ही क्वांटिटीज़ को हमने सेल कर दिया. अब आप देखिए 3287 के आसपास का लाइव प्राइस चल रहा है. और नेवर्थलेस पर अभी जो जैसा कि हमने कहा था कि हमने बाइंग को 3200 पे किया और हमने सेलिंग को, मतलब अपनी पूरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया 3281 पे. और जो यहाँ पे हमें पीएनएल दिख रहा है वो 9598 का दिख रहा है. तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशंस को कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि रफली दिस इज 9000, तो इसको डिवाइड करेंगे 2000 क्योंकि हमारा जो ट्रू एक्सपोजर था वो केवल 2000 रुपये का था. तो वन इज टू 4.5 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमने इस ट्रेड पे बना लिया. तो आइए थोड़ा मार्किंग्स भी कर देते हैं. ऑलराइट, तो ये जैसे कि हमारा रिवाइज टारगेट रहा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड पे रियलाइज हुआ वो हुआ 1:4.5 से भी ज़्यादा का. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस लाइव ट्रेड को मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि नागपुर में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बजाज फाइनेंस को एक्सप्लेन करूं. तो मैंने यही उदाहरण लिया था. और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि मैंने वहां पे बार बार कही थी, कि यदि आपने होमवर्क को प्रॉपरली किया है तो आपको उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होती. और वही हुआ क्योंकि हमने अपने होमवर्क को, जब सैटरडे की क्लास चल रही थी तो उस समय पे काफ़ी अच्छी तरीके से किया, तो इस वजह से हमको की लेवल्स की मालूमात थी. जैसे ही हमने वहाँ पे स्टेक होल्डर रिएक्शंस को नोटिस किया तो हमने अपनी पोजीशन को उस तरीके से डिवेलप किया और फिर मॉनिटरिंग के दौरान रेजिस्टेंस लेवल को भापते हुए हम उस ट्रेड से एग्जिट कर गए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी नागपुर पार्टिसिपेंट्स को जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेनिंग ऑफ आइस में जो कंटेंट पढ़ाया गया था उनको वो ये लाइव ट्रेड के माध्यम से उसको समझने में, फर्दर समझने में और क्लैरिफाई करने में अपने कॉन्सेप्ट्स को मदद मिली होगी. तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.